जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं केवाकटप्पा से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन आंसर। तुम भी तो देखिए, जो केवाकटप्पा जी थे उनका जो जीवन काल था वो 1886 से 1965 था, ठीक है। तो आज हम लोग केवाकटप्पा के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। फिर तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए मित्र, शुरू करते हैं। देखिए, जो केवाकटप्पा जी थे उनका जो जन्म हुआ था वो 1886 को कर्नाटक के मैसूर में हुआ था, ठीक है। ये जो केवाकटप्पा जी थे उनका जन्म कर्नाटक के मैसूर में 1886 को हुआ था, ठीक है। इन्हें मित्र बंगाल का मैसूर कहा जाता था, यानी बंगाल के मैसूर का उपाधि जो है केवाकटप्पा जी को मिला, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, एएन टैगोर तथा परसी ब्राउन गुरु थे। मित्र, जो केवाकटप्पा जी थे इनके जो गुरु थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर तथा परसी ब्राउन थे, ठीक है। देखिए, इनके पूर्वज विजयनगर के दरबारी चित्रकार थे। तो जो इनके पूर्वज थे वो विजयनगर के दरबारी चित्रकार होते थे, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, 1909 से 11 कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा लिए, यानी मित्र 1909 से 1911 के मध्य कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने शिक्षा लिया। किसके मार्गदर्शन में लिए मित्र? तो वो थे आपके अवनींद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। के वैकटप्पा जी 1909 से 1911 में शिक्षा लिए मित्र कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से अवनींद्रनाथ टैगोर के मार्गदर्शन में, ठीक है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, 1909 से 11 के मध्य अजंता गुफा की अनुकृतियां भी बनाई। तो जो ये वैकटप्पा जी थे 1909 से 1911, यानी जब वो अवनींद्रनाथ टैगोर के मार्गदर्शन में शिक्षा ले रहे थे उसी समय मित्र अजंता गुफा की अनुकृतियां भी बनाई लेडी हरिंगम के निर्देशन में, ठीक है। लेडी हरिंगम के निर्देशन में अजंता गुफा की अनुकृतियां जो बनाए थे मित्र केवाकटप्पा जी 1909 से 11 के मध्य बनाए थे, ठीक है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, करें किस राज बोडियार के महल में पांच चित्र आरंभ किए। कृष्णराज बोडियार के महल में मित्र पांच चित्र आरंभ किए थे जिसमें कि केवल तीन पूरा हुआ, ठीक है। बोडियार जी के महल में केवाकटप्पा जी पांच चित्र को आरंभ करते हैं जिसमें कि तीन ही पूरा होता है, ठीक है। और इनकी जो प्रसिद्धि होती है मित्र वो एक चित्रकार के रूप में होता है, ठीक है। जो वैकटप्पा जी थे इनकी प्रसिद्धि चित्रकार के रूप में होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है मित्र, इनकी प्रसिद्धि कला के अतिरिक्त वीणा वादक के रूप में हुआ। तो मित्र ये ऐसे कलाकार थे जो कलाकृति बनाने के साथ साथ वीणा वादक के रूप में भी प्रसिद्ध हुए, ठीक है। ये जो के वैकटप्पा जी थे इनकी प्रसिद्धि कला के अतिरिक्त वादक के रूप में भी हुआ था, ठीक है। इन्हें बंगाल का मैसूर भी कहा जाता था। देखिए, जो के वैकटप्पा जी थे इन्हें बंगाल का मैसूर भी कहा जाता था, ठीक है। के वैकटप्पा जी को बंगाल का मैसूर भी कहा जाता था। और देखिए, ये मुगल व दक्षिणी शैली से इनकी शैली प्रभावित थी। तो जो के वैकटप्पा जी की शैली थी ये आपके मुगल व दक्षिणी शैली से प्रभावित थी, ठीक है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1926 में ऊटी के दृश्य चित्र तथा 1934 में कोडेकई कनाल के चित्र जल रंग में बनाए, ठीक है मित्र। देखिए, 1926 में ऊटी के दृश्य तथा 1934 में कोडेई कनाल के चित्र बनाए जल माध्यम में, जिन्हें वास तकनीक भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो केवाकटप्पा जी थे वो 1926 में मित्र ऊटी के दृश्य तथा कोडेकई कैनाल का चित्र जो है 1934 में
जल रंग माध्यम में बनाए थे। ठीक है, देखिए मित्र, नेक्स्ट पॉइंट है, इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र है, जैसे राम द्वारा हनुमान को मृदंगार्पण, लंका दहन, सीता व स्वर्णमृग, राम विवाह, टीपू सुल्तान, भिक्षा मांगते बुद्ध, एएन टैगोर व मुदालियर के व्यक्ति चित्र भी इन्होंने बनाया। तो मित्र, इनकी जो कृति है उसमें विशेषता ये है, अवनींद्रनाथ टैगोर व मुदालियर के व्यक्ति चित्र भी इन्होंने बनाए। ठीक है, देखिए, और इन्हीं के चित्र में ये भी है मित्र, बुद्ध व शिष्य, राधा इत्यादि चित्रों को के वेंकटप्पा जी ने बनाया। ठीक है, और देखिए मित्र, नेक्स्ट पॉइंट है, 1974 में कर्नाटक सरकार ने इनके नाम पर वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना की। कहने का मतलब ये है मित्र, जो कर्नाटक सरकार था उस समय, 1974 में इनके नाम पर के वेंकटप्पा गैलरी का जो है स्थापना करते हैं, और वो करते हैं आपके बंगलुरु में। ठीक है, तो आज के वीडियो में मित्र बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।